How to introduce yourself in informal way. देखिए एक बार हमने फॉर्मल इंट्रोडक्शन की थी, अब हम इनफॉर्मल वे में इंट्रोडक्शन करते हैं. इनफॉर्मल वे की इंट्रोडक्शन आप क्या कहाँ पे देते हो? अनौपचारिक परिचय. कहाँ देते हो इनफॉर्मल? इनफॉर्मल आप होते हो अपने जो आपके इक्वल एज के होते हैं उनके साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, या फ्रेंड के साथ कोई फ्रेंड आया है उसके साथ हो सकते हो इनफॉर्मल, ठीक है ना. उससे ज्यादा फॉर्मल नहीं हो सकते, वो सब भी इनफॉर्मल हो सकते हो. इनफॉर्मल जिनके साथ आप कंफर्टेबल होते हो, जहां पे आप कंफर्टेबल हो वहां पे आप इनफॉर्मल हो, वहां पे फॉर्मल नहीं हो. तो वहां पे इंट्रोडक्शन आपने कैसे देनी है, ठीक है ना. अगर आपको कोई कह रहा है कि ये मेरा फ्रेंड है, और ही इज माई फ्रेंड एंड ही यू इंट्रोड्यूस अबाउट यूर सेल्फ, आप अपने आप खुद को इंट्रोड्यूस कर लो, है? तो आप क्या करोगे, एक इनफॉर्मल वे में इंट्रोडक्शन दोगे. इनफॉर्मल वे में इंट्रोडक्शन कैसे दी जाती है देखते हैं. वही स्टेप वही है, थोड़ा थोड़ा चेंजेस आएगा. सबसे पहले ग्रीट करना है. ग्रीट के लिए आप हाय हेलो व्हाट्सएप का यूज कर सकते हो, क्योंकि आप इनफॉर्मल इंट्रोडक्शन दे रहे हो अपनी, फॉर्मल नहीं है. अगर फॉर्मल है तब आप इसका यूज नहीं कर सकते. एक न्यू फ्रेंड के लिए आप करोगे हाय हेलो व्हाट्सएप, कुछ भी यूज कर सकते हो, या फिर गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून कुछ भी यूज कर सकते हो. अगर आपके कोई रिलेटिव है तो आप हाय हेलो नहीं यूज करोगे, आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून ही यूज करोगे रिलेटिव के लिए. रिलेटिव के लिए आप हाय हेलो यूज नहीं करोगे, ठीक है ना. और फ्रेंड के लिए, न्यू फ्रेंड के लिए आप गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून यूज नहीं करोगे, ठीक है. हाय हेलो यूज करोगे नए फ्रेंड के लिए और गुड मॉर्निंग आफ्टरनून, क्योंकि रिलेटिव के साथ भी हम इनफॉर्मली रहते हैं, फॉर्मल नहीं होते ज्यादा, ठीक है. तो रिलेटिव के लिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का यूज थोड़ा फॉर्मल होना पड़ता है वहां पे रिलेटिव के केस में. तो गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून होगा, ठीक है. सारी चीज का यूज करोगे, न्यू फ्रेंड के लिए हाय हेलो का, रिलेटिव के लिए गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून का. सेकेंड होगा आपका नेम. देखिए हम क्या कहते हैं कि माई सेल्फ आई एम एंड माई नेम इज. अगर आप रिलेटिव हैं आपके साथ, अपने रिलेटिव को कुछ बता रहे हो, तो आपको अपना नाम बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो आपका नाम पहले से ही जानता है. आपका रिलेटिव है, वो आपके नाम पहले से ही जानते हैं कि आपका नाम ये है, तो आपको वहां अपना नेम बताने की जरूरत नहीं है. लेकिन किसी नए फ्रेंड से जब आप मीट कर रहे हो तो आपको अपना नेम बताना पड़ेगा. उसमें आपको माई नेम इज ही बताना है. माई सेल्फ भी बता सकते हो, लेकिन आई एम तो बिल्कुल भी यूज नहीं करना. माई सेल्फ भी क्यों यूज करना है, मत कीजिए. माई नेम इज ही यूज कीजिए. माई नेम इज जो भी है, ठीक है ना. तो नेम बताइए, हाय हाय रोहन, माई नेम इज डैश, जो भी है, ठीक है ना. ऐसे बोलना है न्यू फ्रेंड के. और रिलेटिव के लिए नेम का यूज करना ही नहीं है, उनको पता है ऑलरेडी आपका नेम क्या है, रिलेटिव्स हैं जो आपके. थर्ड है प्लेस. रिलेटिव को बताने की जरूरत नहीं है, ये सब कुछ रिलेटिव को बताने की जरूरत नहीं है, एक नए फ्रेंड को बताने की जरूरत है. आई एम फ्रॉम, आई लिव इन, आई बिलोंग टू, ठीक है. कुछ भी, मैं आई एम फ्रॉम दिल्ली, यहाँ से आई लिव इन दिल्ली, दिल्ली में रहता हूँ, आई बिलोंग टू दिल्ली, दिल्ली से बिलोंग करता हूँ. तो आप कुछ भी बता सकते हो. प्लेस, जहाँ से आप हो आप उसे बता सकते हो एक नए फ्रेंड को, क्योंकि वो नहीं जानता आप कहाँ से हो. लेकिन आपको किसी रिलेटिव को बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी ये चीज, क्योंकि वो जानते हैं आप कहाँ से हो और आपका नाम क्या है, उनको बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है. फोर्थ होती है क्वालिफिकेशन. क्वालिफिकेशन आपको अपने रिलेटिव को भी देनी पड़ेगी और आपको अपने न्यू फ्रेंड को भी देनी पड़ेगी जो आपकी क्वालिफिकेशन है. क्योंकि अगर आप किसी स्कूल कॉलेज में इंट्रोडक्शन देते हो ना आपने, तो वो फॉर्मल वे में इंट्रोडक्शन होती है, उसमें आपको क्वालिफिकेशन बताने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आप उन्हीं बच्चों को इंट्रोड्यूस कर रहे हो खुद को जो वो काम कर रहे हैं. लेकिन रिलेटिव्स में और न्यू फ्रेंड को बताना पड़ेगा, आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन. परसुइंग मतलब जो काम चल रहा है, जो कर रहा है, वो काम हो रहा है, अभी भी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो. आई एम परसुइंग ग्रेजुएशन. या फिर अगर मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, अगर आप ये बोल रहे हो मैं ग्रेजुएशन कर चुका हूं, आई हैव डन माई ग्रेजुएशन, या आई हैव कंप्लीटेड माई ग्रेजुएशन, चुका हूं. या अगर आप कर रहे हो तो आई एम परसुइंग
graduation. Simple. जो भी आप कर रहे हो उस टाइम, ठीक है. नेक्स्ट है फिफ्थ. फिफ्थ है फैमिली. फैमिली के बारे में आपको किसको नहीं बताना है? आपको नहीं बताना है अपने रिलेटिव्स को फैमिली के बारे में, क्योंकि वो जानता है, लेकिन न्यू फ्रेंड को बताना पड़ेगा. माय फादर ऑक्यूपेशन इज, माय मदर इज, एंड अपने भाई बहन सिर्फ. माय फादर ऑक्यूपेशन इज डैश, माय मदर इज डैश, एंड वी आर सिबलिंग्स. दो भाई बहन. छोटा भाई है तो उसको यंगर ब्रदर बोलते हैं, छोटी बहन है तो यंगर सिस्टर बोलते हैं. बड़ा भाई है तो एल्डर ब्रदर बोलते हैं, बड़ी बहन है तो एल्डर सिस्टर बोलते हैं. ठीक है ना, ऐसे करना है. अदरवाइज आपको ये बताने की जरूरत नहीं है. आप डायरेक्ट बोल सकते हो वी आर सिबलिंग्स. सिबलिंग्स मतलब भाई बहन ही होता है. दो भाई बहन को सिबलिंग्स बोला. थ्री सिबलिंग्स, फोर सिबलिंग्स, ऐसे. अगर आपका एक छोटा भाई है और एक बड़ी बहन है तो क्या बोलोगे? आई हैव ए यंगर ब्रदर एंड ए एल्डर सिस्टर. तो फैमिली का हो गया यहाँ. नेक्स्ट है सिक्स, आपकी स्किल. स्किल आपको दोनों को बता सकते हो, रिलेटिव को भी और न्यू फ्रेंड को भी. आई कैन प्ले गिटार, आई हैव डन माई 1 year कंप्यूटर डिप्लोमा, एंड आई हैव ऑल्सो 1 year एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर. आप ये बता सकते हो दोनों को. तो एक इनफॉर्मल वे में इंट्रोडक्शन होती है, जो फॉर्मल से थोड़ी हटके होती है और थोड़ी अलग होती है. थैंक यू. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. और ज्यादा अपडेटिंग वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पर हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं. थैंक यू.